Welcome back, dear students. Today our topic is natural vegetation and wildlife resources. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो natural vegetation है और जो हमारी wildlife है, ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और कौन कौन से problems है या threats है natural vegetation और wildlife को, और इसको हम कैसे conserve करेंगे. तो ये दूसरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. तो अगर हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है, ये एक छोटे से हिस्से में पनपता है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. बायोस्फीयर क्या होता है? हमने स्फीयर्स पढ़े हैं, एटमॉस्फेयर है हमारे पास, ठीक है, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है. हमारे पास हाइड्रोस्फीयर है, जो जहाँ पे पानी है. हमारे पास लिथोस्फीयर है. तो वाटर में भी लाइफ किसी हद तक पॉसिबल है, एटमॉस्फेयर में भी किसी हद तक लाइफ पॉसिबल है. हर जगह पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, और लिथोस्फीयर है लैंड पे भी हर जगह पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. जैसे हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट से पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिली एरियाज या माउंटेन्स, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो ये जो एरिया बनता है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में और लिथोस्फीयर में, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. बायोस्फीयर इज सिंपली अ नैरो जोन वेयर द लाइफ इज पॉसिबल. इट कंसिस्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर. और इस बायोस्फीयर में हमने देखा है, हम भी बायोस्फीयर का हिस्सा है, जितनी भी लिविंग बींग्स है, वी आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये है कि हम एक दूसरे से रिलेट है. एक होगा तो दूसरा होगा, अगर एक ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे को भी ख़त्म होने का खतरा लाहक है, और हम एक दूसरे पे डिपेंड है. से फॉर एग्जांपल, अगर हमारे घर में गाय है, हम उसको घास खिलाते हैं, हम उसको चारा खिलाते हैं, ठीक है, हम उसको चोकर देते हैं, तो बदले में वो हमें दूध देती है, बदले में वो हमें काउडंग्स देते हैं, गोबर जिसको हम एज मैन्यूवर्स भी इस्तेमाल करते हैं. अगर हम घर में भेड़ बकरियां पालते हैं तो बदले में हमें वूल देते हैं, मीट देते हैं. तो वी आर इंटरडिपेंडेंट. सिंपली अगर हम एक कुत्ते की एग्जांपल लें, तो ये कुत्ता आप देखिए कितना कूड़ा करकट हमारे घर से बाहर जाता है, जब हम खाना खाते हैं कितना वेस्ट जो है वो हम बाहर फेंक देते हैं. अगर कुत्ते नहीं होते उसको खाने के लिए, तो आप देखिए कि हमारे माहौल का क्या होता. इसी तरीके से बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं हमारे इस वेस्ट मटेरियल को, जिसकी वजह से बीमारियां नहीं फैलती है, तो हमारी सेहत को भी खतरा नहीं होता है. तो उसको हम कहते हैं इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंस. तो हमें जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, हम ह्यूमंस हैं, हम एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है. हम सर्वाइव तभी कर सकते हैं अगर ये ठीक है तो हम भी ठीक रहेंगे, अगर हम ठीक है तो ये भी ठीक रहेंगे. तो दैट मीन्स देयर इज इंटरडिपेंडेंस, वी इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मैंने आपको बताया अभी कि एटमॉस्फेयर में भी कुछ हिस्सा है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, हाइड्रोस्फेयर में भी कुछ हिस्सा है, लिथोस्फेयर में भी कुछ हिस्सा है, इसको हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं. इकोसिस्टम सिंपली इंसान का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो हिस्सा, वो इलाका जहाँ से उसकी सारी ज़रूरतें जो है वो पूरी हो सकती है. से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक फ्रॉग की. फ्रॉग पॉन्ड में होता है, उसकी सारी ज़रूरतें उसी पॉन्ड से फुलफिल होती है, वो उस पॉन्ड से बाहर नहीं आता है, तो वो फ्रॉग के लिए इकोसिस्टम बन जाता है. एक इंसान पूरी दुनिया के साथ कारोबार करता है, एक जगह से हमारा बैग आता है, दूसरी जगह से हमारी किताबें आती है, तीसरी जगह से हमारा मार्कर आता है, तो ये सारा जो है ये हमारा इकोसिस्टम बन जाता है. क्योंकि विदाउट बैग, विदाउट बुक्स, विदाउट दिस पेंसिल, विदाउट पेन, वी कांट सर्वाइव. तभी हम पढ़ लिख सकते हैं जब ये सारी चीज़ें हमारे पास होगी. तो जिस जिस इलाके से ये सारी चीज़ें आती हैं, फूड आइटम्स हमारे आते हैं, और जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें जहाँ से आती हैं वो हमारे लिए इकोसिस्टम बन जाता है. हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वो हमारे लिए इकोसिस्टम बन जाता है. समझ में आ रहा है? तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, अभी आपको समझ में आ गया कि कितने ज़्यादा वैल्यूएबल है. अगर हम अभी भी हम फॉरेस्ट वेल्थ लिखते हैं, या कभी कभार आपको इंग्लिश में भी आता है, कंपोजिशन आता है, यूजेस ऑफ फॉरेस्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, तो इसको अगर हम गिनने लगेंगे तो हम
कितने ही पेजेस भर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैंने कुछ नेचुरल वेजिटेशन के फायदे जो है, ये हमें टिम्बर देता है, लकड़ी देता है, फर्नीचर के लिए लकड़ी देता है, जलाने के लिए लकड़ी देता है, ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए शेल्टर देता है, हम जिस घर में रहते हैं उसका उसकी छत, उसकी खिड़कियाँ, उसके दरवाजे भी जो है नेचुरल वेजिटेशन से ही आता है, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जिंदा रहने के लिए, ये हमें फूड क्रॉप्स देता है, ठीक है, ये हमें मेडिसिनल प्लांट्स देता है, ये हमें गम देता है, ये हमें टारपेंटाइन देता है, इतनी सारी मतलब अगर हम गिनने लगे तो 10 क्लासेज इसके साथ जाए। तो ये मैंने ऊपर ऊपर से आपको बताया कि क्यों ये वैल्यूबल है। इसके बाद अगर हम वाइल्ड लाइफ देखेंगे, मीट मिले खाइड्स हॉनी वूल क्या कुछ नहीं देता है हमें। इंसेक्ट्स अगर हम देखेंगे तो पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स नहीं होगी तब तक हमारे घर में ऑर्चर्ड्स हैं, जब तक पॉलिनेशन नहीं होगी हमारे सेब कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे हमारे पास हॉनी बीज है, हमें हॉनी देते हैं, तो एक छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े हाथी तक सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दुनिया में अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखनी है तो हमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम इस नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो हमारी अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ है। अब अगर हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बार बार आपको कह रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन दुनिया की जो बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे जो हमारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी बढ़ रही है और हमारी ज़रूरतें, हम मतलब हर एक चीज़ में हमें अब हर एक चीज़ चाहिए, अपने घर में हर एक चीज़ चाहिए, सब कुछ चाहिए, सारी फैसिलिटीज चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए। तो जब हम इस लग्जरियस लाइफ के लिए, जब हम सब कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, तब सबसे ज़्यादा दबाव जो है इन्हीं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमें फूड की ज़रूरत है, तो जितने भी हमारे पास वेस्ट लैंड्स थे, जितने भी हमारे पास ग्रास लैंड्स थे, जितने भी हमारे पास मीडोज थे, तो उसको हमने चेंज कर दिया इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। बहुत सारे वेस्ट लैंड हमारे पास जो था, या इवन एग्रीकल्चरल लैंड पे हमने इंडस्ट्रीज को सेटअप किया है, तो उससे क्या होता है कि ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो रही है, उसकी वजह से ज़मीन पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है, जिसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है इसको खतरा लाहक है। फॉरेस्ट फायर्स यहाँ पे हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी डेवलपमेंट की वजह से, हमारी खुदगर्जी की वजह से इन रिसोर्सेज को डेप्लीट होना पड़ रहा है। तो अब हम इनको कंजर्व कैसे करेंगे, अब हमारा मकसद ये है कि इन रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर पाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकें। तो एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब अपोजिट जो है एफॉरेस्टेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, क्योंकि पेड़ काटने के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर हम खाली काटते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास कोई फॉरेस्ट कवर नहीं होगा। काटने के साथ साथ हमें फॉरेस्ट्स लगाने भी हैं, जिसको हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेशनल पार्क्स बनते हैं जहाँ पे जो हमारे वर्ल्ड कुछ स्पेशल स्पीशीज होते हैं जो एक्सटिंक्शन को या एंडेंजर्ड को पहुँचे हैं, उनको हम वहाँ पे मतलब तहफ़ दे सकते हैं, उनकी ब्रीड को वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, तो बैन हो गई है, बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी आई है कि अब किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ जो है वो कानूनी तौर पर बैन की गई है। लेकिन इसके अलावा, गवर्नमेंट के इन एफर्ट्स के अलावा, हमें खुद एजुकेट होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस, क्यों आपकी क्लास में ये आया है, ताकि आप यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट फैमिली से आते हैं, तो आपसे मैसेज आएगा यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो सोशल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को जब ये पता चलेगा वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, नेचुरल वेजिटेशन कैसे मुझे फ़ायदा देगा, वाइल्ड लाइफ कैसे मुझे फ़ायदा देगा, तभी हम इसकी हिफाजत कर सकते हैं। और बहुत सारे स्पेशल प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रेनो, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं इन रिसोर्सेज को। लेकिन आपकी और मेरी कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक एक सिंगल इंडिविजुअल ये इसकी इफादियत, इसकी अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा, तब तक इनकी कंजर्वेशन जो है वो मुमकिन नहीं है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।